तो फ्रेंड्स हम रास्ते में रुके हैं, अभी पूरा जंगल घिरा हुआ है चीड़ के पेड़ों से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स हम, आपने जो कैलाश आश्रम वाला मेरा ब्लॉग देखा होगा इससे पहले का, तो ये उसी से आगे की वीडियो है। तो अभी हम निकल रहे हैं, देखो गेट से, तो ये गेट है। तो अभी हम जाने वाले हैं दूसरी वाली रोड से, तो जो मैंने आपको डामर वाली दिखाई थी इधर से, तो ये सड़क जाती है आठगाँव सिलिंग के लिए, तो इस वाली रोड से जा रहे हैं हम लोग। और तो आप लोग बने रहना चैनल पर लास्ट तक, आपको बहुत सुंदर व्यूज देखने को मिलेगा इस वाले ब्लॉग में भी। और अभी जिस रास्ते हम जा रहे हैं बहुत सुंदर जगह है, तो वहाँ से लेके चल रहे हैं आपको। और आप लोग बने रहना चैनल पर, जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। कि जो है यहाँ का व्यूज़ देखिए, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। मंदिर बाहर से देखिए ऐसा दिखता है, तो व्यूज काफ़ी सुंदर है यहाँ का। तो कोई नहीं कहेगा इस जगह पर इतना सुंदर, इतना अच्छा मंदिर आश्रम बना हुआ है। तो फिलहाल तो हम चलते हैं घर को, और आप लोग बने रहना चैनल पर, आप आगे को भी आपको बहुत सुंदर अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे, अच्छी जगह देखने को मिलेगी, नई जगह मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स हम निकल गए हैं नए रास्ते से नई जगह की ओर, और आप लोग बने रहना चैनल पर, आगे जाके आपको और अच्छे सुंदर व्यूज देखने को मिलेंगे, और एक जगह और दिखाएंगे हम आपको। फ्रेंड्स हम रास्ते में रुके हैं अभी, और आपको दिखाते हैं यहाँ से वो अड्डा, काफ़ी सुंदर दिख रहा है, बहुत सारी जगह दिख रही हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ से बहुत सारे गांव दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े, वो देखिए ये है झोला खेत वाली रोड है, ये वड्डा से आगे जाकर झोला खेत से निकल कर आती है जो वाली रोड है, ये रियासी से होते हुए आती है। और जो वहाँ बड़ा सा गांव दिख रहा है वो मड़े गांव है, वड्डा से नीचे का गांव है ये मड़े गांव है ये। तो काफ़ी सुंदर यहाँ पर आके बहुत कुछ देखने को मिला है। वो है झोला खेत, झोला खेत का फील्ड वहाँ बीच में है, वो जूम करके दिखाते हैं आपको, वो रहा झोला खेत का फील्ड। तो काफ़ी सुंदर जगह पे है, तो हम जाएंगे आगे को यहाँ से, तो आप लोग बने रहना। फ्रेंड्स देखिए चीड़ के घने जंगलों से होते हुए घर को जा रहे हैं अभी हम। पूरा जंगल घिरा हुआ है चीड़ के पेड़ों से। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं, बिल्डिंग आपको दिख रही होंगी, ये नवोदय हॉस्टल की है, तो मैं आप लोगों को यही दिखाना चाह रही थी। तो ये हमारे पिथौरागढ़ का हॉस्टल है,
नवोदय जवाहर नवोदय हॉस्टल, तो काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है ये। और रोड से ऊपर को ये सारे जो हैं हॉस्टल के क्वार्टर हैं, जहाँ पर रहते हैं लोग और बच्चे और उनकी फैमिली। और इससे नीचे को जो है यहाँ पर है कॉलेज पूरा हॉस्टल, और यहाँ पढ़ाई होती है। तो मैं आगे चलकर दिखाऊंगी आपको, काफ़ी सुंदर काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, थोड़ा सा आगे आकर जूम करके दिखा रहे हैं आपको। तो ये है जवाहर नवोदय हॉस्टल पिथौरागढ़ का सबसे बड़ा एकमात्र हॉस्टल, और ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। और ये पिथौरागढ़ से 8-9 किलोमीटर आठगांव सिलिंग गांव से अंदर को पड़ता है, और काफ़ी शांत और सुंदर वातावरण में बना हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहाड़ों में अगर स्वर्ग है बोला जाता है, तो ये वाकई में स्वर्ग है, किसी स्वर्ग से कम नहीं है हमारे पहाड़। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का, बहुत ही सुंदर जगह पर बना हुआ, देखो किसी जन्नत किसी स्वर्ग से कम नहीं हमारे पहाड़। और थोड़ा सा आगे आकर हम लोग, हमको एक शॉप मिल गई थी, तो काफ़ी भूख लगी हुई थी, हम लोग शॉप पर रुक गए और यहाँ पर से हमने जूस वगैरह लिया, चिप्स वगैरह किट्टू के लिए। और फिर हम इसी रास्ते से आगे को गए, और इसी रोड में मार्केट को जाते हुए दक्ष का स्कूल भी पड़ता है, और उसकी छुट्टी का टाइम हो गया था, तो हम लोग दक्ष को लेते हुए घर को गए हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आठगांव सिलिंग का गांव, काफ़ी बड़ा गांव है और बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, बहुत सुंदर जगह पर भी है। तो हम अब दक्ष के स्कूल के पास पहुंचने ही वाले हैं, तो उसकी छुट्टी का टाइम हो गया है, तो हम दक्ष को स्कूल से लेते हुए जाने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है वो पूरा ट्रैवलिंग ब्लॉग बन गया है, पूरा जो है रास्ते भर हम घूमते हुए आए हैं लॉन्ग ड्राइव करते हुए। और देखिए दक्ष का स्कूल आ गया है, स्कूल की गाड़ियाँ लगी हैं यहाँ पर, बस वगैरह। और यह है दक्ष लोगों का स्कूल, तो काफ़ी बड़ा स्कूल है इनका, चारों तरफ से बाउंड्री है और स्कूल जो है बहुत बड़ा है। तो फ्रेंड्स, दक्ष के स्कूल का नाम है मल्लिकार्जुन स्कूल पिथौरागढ़। तो मैं बाहर पर ही खड़ी थी, दक्ष के पापा गए थे अंदर लेने के लिए दक्ष को। अभी तो इनका फेंटर खुला ही चल रहा है। तो हम निकल चुके हैं घर को, और यहाँ से देखो दक्ष लोगों के स्कूल से पिथौरागढ़ का सुंदर सा व्यू। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम घर, दक्ष को स्कूल से लेते हुए आए। तो अब खाना बनाना है, और दक्ष लोग कपड़े चेंज कर रहे हैं। तो मैगी बनाती हूँ, आज सुबह से बाहर ही हैं, कुछ खाया भी नहीं है, भूख लगी है। तो अब मैगी वैगी बनाती हूँ, और जो है ब्लॉग का भी एंड कर लेती हूँ यहीं पर। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।